షాయినాయత్ గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిమితులలో హైదరాబాద్ దూల్పేట్లో ఫిబ్రవరి 19న ఇద్దరు గ్రూప్స్ మధ్య గొడవలు జరిగాయి. ఒకరినొకరు కత్తులతో పొడుచుకున్నారు. కానీ పోలీసుల సమాచారం మేరకు ఎవరికి ఏమీ జరగలేదని, దాన్ని సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కూడా ఉండడంతో పోలీసులు వారిపై కేసును నమోదు చేశారు. హైదరాబాద్లోని అక్సా మసీద్ కాలాపత్తర్ సమీపంలో మొహమ్మద్ సోహెల్ ఖాన్, రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాలాపత్తర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిమితుల కింద ఒక విద్యార్థిని తీవ్రంగా కొట్టినందుకు ఇద్దరు కానిస్టేబుల్లపై ఫిర్యాదు చేశారు. హైదరాబాద్లోని డీసీపీ సౌత్ జోన్లో ఈ ఫిర్యాదు చేయబడింది. मैं ठहरे हुआ था, आगे पुलिस वाले का सिगरेट फिरा था मेरा एक दोस्त, क्या हुआ कहीं को ठहरे बोल के मारना चालू कर दिए. तो गया मैं डीसीपी साहब कर, तो डीसीपी साहब FIR लिख के ACP ऑफिस को जाओ, मैं सस्पेंड कराता हूँ बोल के बोली. कहाँ पे हुआ ये? काला पत्थर अक्सा मस्जिद के पास सुबह में 11 बजे. मारने की वजह क्या है? वो एक खाली ठहरे हुए सिगरेट पी रहे थे, कहीं को ठहरे वहाँ गोश्त की दुकान का क्या लफड़ा चल रहा था डेली ठहरे हुए थे, तो आगे मारना चालू कर दिए. बोलो साहब क्या हुआ क्या हुआ बोले तो चल तू चल PS को चलो तुम ना PS को चलो बोल के मारना चालू. जाके ठहरा खाली बाहर जाके ठहरे तो पुलिस वाले बोले कहते कहीं को ठहरा रहे क्या देख रहा बोले तो कुछ भी नहीं सर बोले तो खुंदल खुंदल के लातों से मारे बच्चे को. बाप नहीं है उनके, ये 3 बच्चा है बम प्लस में, ऐसी पुलिस वाले इनके बाप को भी ऐसी मारे. बम प्लस में इंतकाल हो गया है बच्चे के, बाबा नहीं है, बच्ची टेलरिंग करके जीती है, 3 है बच्चे यहाँ मक्का मस्जिद बम प्लस में मोहम्मद सलीम बोल के बच्चे है, 3 बच्चे ऐसा खुंदल खुंदल के मारते. आप देखो वीडियो, और उनका छोटा भाई वीडियो लिया तो बच्चे को घर में घुस के बच्चे को छोटे बच्चे को मार रहे, औरतों की वीडियो ले रहे, ये तरीका है क्या पुलिस वालों का? आप बोलिए डीटी से बात कह रहे हैं, शिकायत कह रहे हैं, उन्होंने बोले चार मीनार को लेटर लिख के दिया वहाँ जाओ आपसे उन लोगों जो भी है मैं लिख के दे दिया बोल के बात कह रहे. अब पुलिस वालों का ये गलत तरीका है भाई साहब, हमारे बच्चों के साथ तो आइंदा दूसरे बच्चों के साथ नहीं होना, हमारे बच्चों को इंसाफ होना बस. ये 3 बच्चे हैं हमारे, 11:30-12 बज रहे थे भाई आज. अब भी आप सुबह में आप देखो वीडियो देख सकते हैं आप देखो, ये पुलिस वालों का तरीका है, ये गलत तरीका है ना. आप लोग देखो ये देखो खुंदल खुंदल के मार रहे थे बच्चे को, ऐसा मारने का तरीका है ये देखिए आप.